नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। आज आपको हम बताने जा रहे हैं मान पुण्य को देने वाली, सभी प्रकार को सुख को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली रमा एकादशी की पुण्य दायिनी व्रत कथा। इस व्रत को जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एकाद चित्त से सुनता है भगवान श्री हरि की, उस व्यक्ति को मिलती है धर्म अर्थ का मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको हो सकेगा। रमा एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व बताया गया है। मान्यता ऐसी है कि इसी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन और विधि विधान से रमा एकादशी का यह व्रत करता है, कथाओं को पढ़ता है या सुनता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के उपरांत उसे लोक में स्थान मिल जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजन का विधान भी होता है। माता लक्ष्मी जी की पूजन करना भी बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और कैलेंडर के अनुसार एकादशी प्रति वर्ष अक्टूबर माह या नवम्बर के महीने में आती है। तो इस बार रमा एकादशी 11 नवम्बर 2020 में है। रमा एकादशी का महत्व इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में बताया गया, हिंदू धर्म में रमा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से दरिद्रता दूर भाग जाती है और घर में धन धान्य से परिपूर्णता हो जाती है। रमा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। रमा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले से ही यानी कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठ करके स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी का व्रत निर्जल किया जाता है और फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें एक पटरे के ऊपर। विष्णु जी की प्रतिमा को तुलसी फल फूल नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, कर्पूर से आरती उतारें और घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरण करें। माता लक्ष्मी जी का दूसरा नाम रमा है, यही वजह है कि इस एकादशी में भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी विधान होता है। इस दिन घर में सुंदरकांड का आयोजन करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। रात के समय सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए, दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद अन्न जल ग्रहण कर इस व्रत का पारण करना चाहिए। वैसे एकादशी के व्रत का विधान बहुत ही विस्तृत होता है। यदि विधि पूर्वक इस व्रत को किया जाता है तो इस व्रत का संपूर्ण फल व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। हर धर्म के अनुसार कोई विधान होता है क्योंकि इसका जो विधान होता है आत्मा और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा विचारों की शक्ति हमें मिलती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग सात्विक भोजन का विधान होता है, इसलिए व्रत अयोग्य दीर्घ जीवन के प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो व्यक्ति विधिवत नियमित व्रत उपवास रखते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, सुख तथा परमात्मा के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो नारद पुराण में व्रतों की महिमा को बताए गए ऐसा बताया कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं होता है, माता के समान कोई गुरु नहीं होता है, भगवान विष्णु के जैसा कोई देवता नहीं है, व्रत उपवास जैसा कोई तपस्या नहीं है, कोई तप नहीं है और व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वप्रिय बताया गया है। प्रत्येक माह में दो एकादशियां आती हैं। अधिक मास या मलमास पड़ने पर उस मास की दो एकादशियां और हो जाती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। ये सभी एकादशियां अपने नाम के अनुसार फलों को प्रदान करती हैं, जिनकी कथा तथा विधि आदि को सुनने से भली प्रकार से हमको ज्ञान हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महत्व के पढ़ने सुनने तथा दिन रात भजन कीर्तन करने से मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। एकादशी व्रत के दो भेद बताए हैं, नित्य भेद और काम भेद। एकादशी का व्रत बिना किसी कामना से यदि किया जाए तो वह नित्य कहलाता है और किसी भी प्रकार की कामना से जैसे कि धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा राग द्वेष क्लेश आदि से छुटकारा पाने के लिए किया जाए तो वह काम्य कहलाता है। एकादशी व्रत का आरंभ करने का शुभ समय चैत्र महीने होता है। वैशाख का महीना, माघ महीना, मार्ग शीर्ष की एकादशियां होती है। मल मास या अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन 6 के समय से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कम
कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी माना जाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को पाकर के ही व्रत आरंभ करना चाहिए। यह व्रत जो है श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। किसी के दबाव या प्रभाव में आकर व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत का विधान दशमी से आरंभ होकर के 3 दिवस तक चलता है, अर्थात द्वादशी को संपन्न होता है। द्वादशी के दूसरे पहर में व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवा करके दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया जाता है, अथवा किसी देव मंदिर में भोजन की सामग्री भिजवानी चाहिए। यदि एकादशी के व्रत को आप करना भूल जाएं तो द्वादशी को व्रत कर त्रयोदशी के दिन इस व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। व्रत के प्रथम दिवस अर्थात दशमी के दिन से 3 दिन तक द्वादशी तक गंध मांस फूल सहस्त्र उड़द मसूर चना चावल आदि अन्न तेल शाक शहद आदि का त्याग आपको कर देना चाहिए और कासे के पात्र में भूल कर भोजन आपको नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जुआ सट्टा आदि नहीं कहना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर के एकादशी के व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री की हरि की पूजा करें और व्रत का विधान के अनुसार पूजन कर जप हवन पाठ कीर्तन आदि कर अपना समय व्यतीत करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाला दुर्लभ अथवा रोगी हो तो दूध फल आदि औषधि का सेवन कर सकता है। इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी इच्छा आपकी हो व्रत का उद्यापन कर व्रत को समापन कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। इसमें 26 ब्राह्मण दंपति को सात्विक भोजन कराया जाता है तथा अपने सगे संबंधियों परिवार तथा इष्ट मित्रों को भोजन करवा करके स्वयं भोजन इसमें ग्रहण किया जाता है। दान दक्षिणा गौ दान वस्त्र सोना आदि दान किया जाता है। विधि पूर्वक योग्य ब्राह्मण आचार्य के द्वारा शास्त्र योग विधि से शास्त्र की विधि से उसका उद्यापन कराने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। यह तो हुआ इस व्रत का विधान। अब इसकी व्रत कथा इस प्रकार से आती है। इस व्रत कथा को इस दिन एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए जिससे इस व्रत की संपूर्णता होती है। इस व्रत का संपूर्ण फल व्रत करने वाले को मिलता है तथा इस प्रकार से है। धर्म या युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार से आती है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा जितेंद्र विष्णु भक्त एक राजा था। वह राज्य करता था। उसके इंद्र वरुण देव आदि सभी मित्र थे। उसने अपनी लड़की चंद्रभागा का शुभ विवाह राजा चंद्र देव सेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में था तब एकादशी आई थी। दशमी के दिन राज्य में व्रत करने में ढिंडोरा पीटा गया। हे प्रिय, मैं बहुत दुर्लभ हो गया हूँ, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मैं मर जाऊँगा। चंद्रभागा कहते कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी घोड़ा ऊँट आदि सभी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर वह मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए। शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार कर उसने एकादशी का यह व्रत किया। वह रात्रि दुर्लभ शोभन को दुख देने वाली थी तथा काल होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर के क्रिया करा दी। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार सती ना हुई और पिता के घर में रहने लगी। पति को रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर का राज्य प्राप्त हुआ। वह स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था। गंधर्व अप्सराएं उसकी स्तुति करती थी। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए जाता हुआ उधर से निकला। अपने राजा के जमाई को देखकर ब्राह्मण राजा के पास पहुंचता है। राजा ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ करके खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा स्त्री चंद्र भागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा कहने लगे कि हे राजन, हमारे राजा तथा आपकी पत्नी चंद्र भागा भी कुशल से है। अब आप वृत्तांत बतलाइए, मुझे आपको देख करके बड़ा ही आश्चर्य होता है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। उसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अद्रुव है, यानी कि स्थिर नहीं है। राजा, मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत बताया।
इस पर राजकन्या बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। वह सोम शर्मा उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम में ले गया। उसकी कथा के अनुसार वामदेव ने चंद्रभागा को मंत्र से अभिषेक कर दिया। मंत्र तथा व्रत के प्रभाव से वह दिव्य धारण कर पति के पास जा पहुँची। शोभन ने अपनी वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं 8 साल की थी तभी से यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस तरह चंद्रभागा ने अपने पति को फिर से प्राप्त कर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का महत्व पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु धाम को चले जाते हैं। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।